इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से डाला जा रहा है और जिसके नतीजे में इसराइल से सफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरकी जरूशलम, बैतुल मकदस शरीफ का मशरकी हिस्सा जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा। चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मकदस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम। मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। यही बात अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कही थी कि जब शरीफ मक्का ने अंग्रेजों और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर तुर्क खिलाफत के खिलाफ अरब रिवोल्ट, अलग बगावत बरपा की यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त फरमाया था कि हाशमी बेच रहा है आबरू दीन मुस्तफा, खाक खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। तो वही जिन्होंने उस वक्त आबरू दीन मुस्तफा बेची थी, उनकी औलादें ही तो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट पर हुकूमत कर रही हैं। तो वही सब लोग हैं कि जिनकी शरीफ मक्का की औलाद को जॉर्डन और इराक की हुकूमतें दी गई थी, उसके बाद आले सऊद को सऊदी अरब दिया गया था और यूएई और सारी रियासतें उसी वक्त बनी थी। उससे पहले तो यूएई नहीं हुआ करता था, ये खिलाफत पहले 1917 में खिलाफत जब उस्मानी टूटी है उसके बाद यहाँ पे सारी ये छोटी छोटी शेखडम्स और किंगडम्स बनाई गई हैं। अब जाहिर है कि ये वही लोग हैं जिनके पुराने माजी के ताल्लुकात हैं यहूदियों के साथ और अब वक्त हो गया यहूदियों का कि वो उन ताल्लुकात को कैश करा रहे हैं। अब यहूदी इतने ताकतवर हो गए हैं कि पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करके ग्रेटर इसराइल के लिए, क्योंकि ये जो अब वक्त आने वाला है ये बैतुल मकदस के अंदर अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं मस्जिद अक्सा को गिरा के, और इसके लिए अमेरिका ने अपनी सफारतखाना, यहाँ पूरी दुनिया के कई ममालिक से कह रहे हैं कि तल अवीव से उठा के सफारतखाना बैतुल मकदस शरीफ में लाओ। और जाहिर है अब वो ये नहीं चाहते कि बैतुल मकदस शरीफ में कोई मुसलमान रहे, लिहाजा अब ये खुरेजी होगी। मुस्लिम दुनिया ने फलस्तीनियों को तनहा छोड़ दिया, मुश्किल से मुट्ठी भर चंद हजार आसपास मस्जिद अक्सा के हैं, दिफा करते हुए शहीद हो जाएंगे अगर कोई बाहर से किसी मुसलमान ने मदद नहीं की उनकी। तो ये सूरत हाल है, इस पर क्या कहे इंसान सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मत मुस्लिमा की आबरू के महाफिज उसमें बच्चे हैं जो पत्थर लेकर यहूदियों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा गिर गई अगर तो समझ लीजिएगा इसके बाद टेम्पल माउंट बनेगा और ये दज्जाल के खुरूज का वक्त होगा। ये सब बातें हदीस शरीफ में लिखी हुई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। और इसका जो वक्त है आपको करीब होता हुआ नजर आ रहा है, जो सारी सिचुएशन बन गई है आपको टाइमलाइन आंखों से नजर आ जाएगी ना। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मकदस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले चार पांच साल में इन्होंने करना ही है, यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेंपल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं वो जगह जहां मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेंपल माउंट रखा हुआ है जी। अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के महाफिजीन को कत्ल करना है। ठीक सर, ये इस वक्त आपके आंखों के सामने हो रहा है। और सर ये उस वक्त, ये अब ज्यादा इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि 2020 का एक पूरा जो पैच गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता सारे अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट करना शुरू किया, सऊदी अरब इस वक्त पेंडिंग के ऊपर है। आपसे हमने बड़ी दफा ये सवाल किया, इस वाक्य के बाद आपको लगता है कि मजीद ममालिक अब नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया तीन दिन से? सर ये जो हमला किया गया है, मैं सख्त बात करने लगा हूं, अरब हुक्मरानों की मर्जी से किया गया है। अभी क्या आपने सऊदी अरब के हुक्मरान को या वली अहद को या अरब हुक्मरानों को इसराइल के खिलाफ कोई बयान देते सुना? नहीं, खामोशी है। उनकी ये ताईद हासिल है इस काम को, उनको इजाजत दे दी गई है जो कर सकते हो कर लो,
वरना इसराइल में इतनी जरूरत कभी ना होती इस तरीके से मुसलमानों पर हमला करता मस्जिद में। जब भी इसराइल ऐसा कोई काम करता है अरब ममालिक की हिमायत से करता है। तो वेयर वी स्टैंड सर, पाकिस्तान और तुर्की क्या बड़ी बातें करते हैं, वेयर वी स्टैंड? पाकिस्तान और तुर्की अब सिर्फ दो मुल्क रह गए, खुद फलस्तीनी भी पाकिस्तान और तुर्की को पुकार रहे हैं, और हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हम करना चाहें कोई ताकत नहीं हमें रोकने वाली, हम बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते, बात यही है। अभी जो बुलाया गया था, मुझे मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये बात कि जो पाकिस्तान को बुलाया गया था अभी सऊदी अरब, वहां पर इसराइल को तस्लीम करने की बात ना की गई हो। बहुत अरसे से शदीद दबाव डाला जा रहा है, पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एलिमेंट्स खरीदे गए, हमारी सियासत में एलिमेंट्स खरीदे गए, मुसलसल जो दबाव डाल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने से फलस्तीनियों के हकूक ज्यादा अच्छी तरह उनको मिल सकेंगे। आप जब ये बात करते हैं तो बगैर सबूत के बात करते हैं या कोई ज़राए खबर है आपके पास उसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा अलार्मिंग है जब ये बात करते हैं दो स्टेट्स जो आपस में बड़ा क्लोज टाइज हैं, अगर आप इस तरह की बात करें। आपको शवाहिद की बुनियाद पर बात करता हूं ना, जब टेलीविजन के ऊपर कामरान खान एक पूरा प्रोग्राम कर रहा है कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, जब मोईद यूसुफ पूरी कैंपेन चला रहा है, जब बड़े बड़े पाकिस्तान के वुजरा ये बात कर रहे हैं कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना, जब अरबों ने तस्लीम कर लिया तो हम क्यों ना करें, ये वक्त मुशर्रफ के जमाने से ये कैंपेन चल रही है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने तो तकरीबन इसराइल को तस्लीम कर लिया था, पहली दफा पाकिस्तान के किसी सदर ने अमरीका जाके ज्यूइश काउंसिल से खिताब भी किया था, बड़ी मुश्किल से रोका गया था। ये शवाहिद है ना, और कौन सा शवाहिद आपको चाहिए? जब पाकिस्तान के खुद मजबूरन फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बयान देना पड़ा, जब इतना प्रेशर बिल्ड हो गया पाकिस्तान के अंदर मुखालिफत का भी, उनको बयान देना पड़ा कि जी जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये बात आई कहां से, बयान क्यों देना पड़ा? और ये बयान भी इतना फुसफुसा है, ये ऐसे ही है कि आप कहें कि अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे, इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना, शिकस्त ही तस्लीम करना। ठीक सर, मुझे लास्ट में बता दें कि क्या स्टेट्स का प्रेशर डालना सूदमंद साबित रहेगा या जिस तरह हिजबुल्ला और दीगर सारे के सारे कर रहे हैं, क्योंकि औरिया मकबूल जान आपसे पहले थे वो एग्जांपल दे रहे थे कि जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ उसी का मुजाहरा होगा तो ही कुछ हो सकता है, फलस्तीनी तो इस तरह ताकतवर नहीं है जो उनके साथ 70 सालों में हुआ, तो इस तरह कुछ होना चाहिए? देखिए फलस्तीनी लड़ने वाले लोग हैं, उनको हथियार पहुंचाएं, असला पहुंचाएं, हमास ने आज भी रॉकेट फायर किए हैं इसराइल पे ना, इसराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, इसराइली यहूदी है ये मरना नहीं चाहते। और अभी मैं आपको साफ बता रहा हूं कि मिस्र के जरिए पैगाम भेजा गया है हमास को कि सीज फायर कर लो, अभी 4 रॉकेट गए सिर्फ हमास की तरफ से और इसराइल पैगाम भेज रहा है सीज फायर कर लो। आप हमास को हथियार कहां से मिल रहे हैं? कोई ना कोई ताकत दे रही है दुनिया की, चाहे ईरान पहुंचा रहा हो या तुर्की खुफिया पहुंचा रहा हो या वो खरीद रहे हो, मिस्र ने पाबंदी लगाई हुई है, कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरे पूरे रियासतें करना चाहें तो हम खुल के कर सकते हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें। आप हमास को हथियार पहुंचाएं, अब फलस्तीनियों को पहुंचाने पड़ेंगे, इसलिए ये मस्जिद अक्सा रेड लाइन है, क़िबला अव्वल है हमारा, ये ऐसे ही है जैसे मस्जिद नबवी पे यहूदी हमले कर रहे हैं और हम तमाशा देखें और कहें कि हमारा ट्रेड खराब हो जाएगा, लिहाजा मस्जिद नबवी पे हम यहूदियों का कब्जा कबूल कर लेते हैं, इससे ज्यादा बेशर्मी से बेहतर है कि इंसान मौत कबूल कर ले। ठीक है, बहुत, आप कश्मीर पर खामोश रह सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको बता दें कि आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि मैं अपना देने वाला हूँ रिएक्शन। गाइज आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हसन साज ये यूएई के हैं और यूएई में शायद ये पत्रकार हैं, कोई स्पेशल पोस्ट में है जो कि यूएई की गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं खासकर। तो इन्होंने एक ये फ़ोटो शेयर की है, इसमें लिखा है हु ब्रॉट दिस इनसाइड द होली अल अस्क मॉस्क। ये जो आपको पता होगा इसराइल में जो ये मॉस्क है उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में पत्थर मिले हैं, पत्थर तो ये पत्थर बेसिकली यूज़ किए गए हैं नमाज पढ़ने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और गाइस इसराइल और फिलिस्तीन आप जानते हैं ये मसला बहुत पुराना है, बहुत पेचीदा है, तो इस पर मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, इतना तो मैं समझदार भी नहीं हूँ जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो गाइस ये मतलब अभी बेसिकली ये जो पत्थर हैं ये फोर्सेस को मारे गए, उसके बाद फोर्सेस ने एक्शन लिया, उसके बाद हमास है जो वहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीन की तरफ से है, उसने रॉकेट फायर किए, फिर उसके बाद वहाँ पर अभी मतलब आप समझ सकते हो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और
अब इसको लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ये चार देश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, मतलब ट्रेंड कर रहा है, इसराइल टेररिस्ट है, बायकॉट इसराइल, इस तरीके के ट्रेंड कर रहे हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और मैं बात कर रहा हूँ ये जो टर्की, ये देश इनके, तो आप समझ सकते हो यूएई को आपने देखा कि इसने जज हामिद ने किस तरीके की बात की यूएई, सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज़ को लेकर। तो बेसिकली अब जैद हामिद अरब कंट्रीज़ के डीएनए, अरब कंट्रीज़ के मुस्लिम होने पर सवाल उठाने लगा है। ये ऐसी बात कर रहा है कि मतलब ये अरब के लोग ये हैं, वो हैं, ये यहूदी इनके कज़न हैं, इस तरीके की बात कर रहा है। तो बेसिकली तो इसराइल भी अरब कंट्रीज़ में ही आता है, एक अरब देश ही है, और सऊदी अरेबिया भी अरब कंट्री, यूएई भी अरब कंट्री है, तो उनके कहीं ना कहीं जेनेटिक तो एक होंगे ही, अरबी ही होंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका या जो यहाँ के इस रीजन के जो भी लोग हैं उनके सबके डीएनए एक ही होते हैं, आपको भी पता है, भले आज उनका मजहब इस्लाम है किसी का जो भी है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो यूएई, सऊदी अरेबिया रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब रोने का काम तो यहाँ के जो हैं लोग, उनको उनके जीवन में लिखा है, तो आप रो, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। जैद हामिद तो इस तरीके की बातें कर रहा है जैसे कि मतलब हम कर सकते हैं, टर्की कर सकता है, मतलब ये सीधा न्यूक्लियर बम फेंक देंगे इसराइल पर, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और आपको भी पता है गाइस, इसराइल से लेकर फिलिस्तीन को जो भी वॉर हुई हैं, इसराइल ने अनडिस्प्यूटेड इतना बुरा हराया है, तीन तीन चार चार देशों को एक साथ, कि आप उसके बाद दूसरे देशों की हिम्मत भी नहीं हुई उससे लड़ने की, और इसराइल खुल्लम खुल्ला बैंड बजाता है। तो अब आप समझ सकते हो गाइज, इसराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि मतलब उसका अटैक इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, इस नारे पर, मतलब इस वाक्य पर वो बिलीव करता है, सीधा अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो टाइम ही नहीं लेते। तो अब ये यहाँ पर भी जो सिचुएशन है उसको लेकर तो इंडिया में ऐसा रोना रोया जा रहा है, पाकिस्तान, टर्की, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो अब क्या कर सकते हैं गाइज। और मैं बता रहा हूँ आपको, अफगानिस्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें 70 मुस्लिम बच्चियाँ और स्कूल में जो धमाका हुआ मारे गए, उसको लेकर यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं हुआ, उसको लेकर कोई कंडोलेंस तक नहीं हुआ कि उसको कोई संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो सिया मुस्लिम थे, उनकी किसको फिक्र है, आपको भी पता है। तो गाइस ये वीडियो यहां पर होता है खत्म, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।